फ्रेंड्स, सेकंड पार्ट है ये। फर्स्ट पार्ट मैं अपलोड कर चुकी हूँ, सेकंड पार्ट ये है, उसी का कंटिन्यू कर रही हूँ मैं। मिनरल्स एंड रॉक का फिफ्थ चैप्टर जो हमारा, इसके बारे में मैंने आपको स्टार्टिंग बताई थी कि मिनरल्स क्या होते हैं और इसके बारे में। मिनरल्स क्या होता है, एक पूरा कॉम्बिनेशन होता है जो कि कंपोजिशन होता है फिजिकल प्रॉपर्टी का और केमिकल प्रॉपर्टीज़ का। मिनरल्स के बारे में बताया और रॉक के बारे में मैंने कल स्टार्ट किया था आप लोगों को कि रॉक क्या होती है। रॉक एक एग्रीगेट होती है जो कि मोर मिनरल्स से बनी हुई होती है, वन एंड मोर मिनरल्स। सो हमने ये कल कंप्लीट कर लिया था। इसके बाद मैं आज आपको जो करवा रही हूँ वो कंप्लीटली नेक्स्ट बता रही हूँ कि रॉक्स, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रॉक्स। तो रॉक्स तीन तरह की होती है। फर्स्ट मैंने कल बताया था आपको इग्नियस रॉक। इग्नियस रॉक के अंदर बताया था कि इग्नियस रॉक क्या है, जो कि लावा और जो मैग्मा होता है, जो वोल्केनो इरप्शन के बाद जो मैग्मा इरप्टेड होके लावा बन के ऊपर आता है अर्थ क्रस्ट पे, वो हमारा क्या कहलाता है, वो हमारी इग्नियस रॉक कहलाती है। इसके बाद आ जाता है हमारा सेकंड आती है हमारी सेडिमेंट्री रॉक। सेडिमेंट्री रॉक क्या होती है, सेडिमेंट्री रॉक्स होती है जो चेंज होती है, कंपोजिशन करती है और डिपोजिशन के बाद फ्रेगमेंट हो जाता है उन रॉक्स का, और उसके बाद जो रॉक्स बनती है, जो प्रोसेस में आती है, उसे हम सेडिमेंट्री रॉक कहते हैं। मेटामॉर्फिक रॉक कौन सी होती है, जो कि बताती है कि रिसाइकिल होके उन्हीं रॉक्स को रिसाइकिल होके जो बनता है मैग्मा, जो सेडिमेंट्री रॉक्स पे रिसाइकिल होके वापस अर्थ के अंदर जाके उसे लिक्विड फॉर्म में बनाती है, उसे कहते हैं हम मेटामॉर्फिक रॉक। तो फर्स्ट मैं आज आपको इसमें समझा रही हूँ इग्नियस रॉक। इग्नियस रॉक क्या होती है, इसके अंदर बताया जाता है कि अब आपको स्टार्टिंग दिया है, इग्नियस रॉक्स आउट ऑफ मैग्मा, जो कि मैग्मा बाहर आके लावा बनता है फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द अर्थ, दे आर नॉन एज प्राइमरी रॉक। इनको हम सबसे पहले क्या कहते हैं, इनको प्राइमरी रॉक से भी नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन आता है बेटा, विच आर द प्राइमरी रॉक्स, सो इग्नियस रॉक्स आता प्राइमरी रॉक्स, हम इसका आंसर यहाँ दे सकते हैं द इग्नियस रॉक्स। और जो इग्नियस रॉक्स होती है इसे प्राइमरी रॉक्स कहते हैं, और ये मैग्मा का, मैग्मा से इरप्टेड होके क्या बनती है, लावा जो बनता है ऊपर आके, जो लावा बन जाता है मैग्मा से उसके उसे बनती है। और इग्नियस रॉक्स का लेटिन मीन्स जो होता है वो कहलाता है फायर। इसका मतलब क्या होता है, फायर जो कि गर्म गर्म आती है और ऊपर से आके नीचे से आके ऊपर की तरफ शिफ्ट होती है। आर फॉर्म्ड व्हेन मैग्मा कूल्स, जब मैग्मा नीचे से ऊपर आता है और कूल होता है, उस कूल सॉलिडिफिकेशन हो जाता है उसका और कूल हो जाता है, उसके बाद क्या होता है, सॉलिड जो मैग्मा ऊपर से नीचे से जो चीज़ आ रही है आके वो कूल होती है और सॉलिड हो जाती है, उससे जो रॉक्स बनती है उसे हम इग्नियस रॉक कहते हैं। अब आप लोग जानते हो कि मैग्मा किसे कहते हैं, ये तो आपको जानते हो, मैग्मा इज़ इन अपवर्ड मूवमेंट कूल्स एंड टर्न इनटू सॉलिड फॉर्म। जो मैग्मा हमारे अंदर से वॉल्केनो के अंदर से निकल रहा है और वो कूल होता है, टर्न इनटू सॉलिड फॉर्म, वो टर्न होके सॉलिड फॉर्म में जमता जाता है, इट कॉल्ड इग्नियस रॉक। एक बार आप देखना, आपके घर में गुड़ होता है, गुड़ को आप अगर पहले तो जब वो लिक्विड फॉर्म में होता है, जब उसे आंगन पर ढालते हो आप उसे, तो देखोगे थोड़ी देर बाद वो क्या होता है, सॉलिड हो जाता है। सो इससे ये क्या होता है, सॉलिडिफिकेशन, और उसके बाद वो कड़क हो जाता है, कड़क बन के। तो आप उसे इस ये एग्जांपल अच्छी तरह से ले सकते हैं, उसको इग्नियस रॉक हम के रूप में, हम एग्जांपल के रूप में इसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सो वो रॉक्स कैसी बनती है, टाइट बनती है, ठोस बनती है, इसे इग्नियस रॉक कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ कूलिंग एंड सॉलिडिफिकेशन कैन हैपन इन अर्थ क्रस्ट, ये सारा किस पे होता है, अर्थ की क्रस्ट पे होता है, ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ, वो अर्थ की सर्फेस पे होता है सारा, ये सारा वर्क अर्थ की सर्फेस पे होता है। इसके बाद आता है इग्नियस रॉक आर क्लासिफाई बेस्ड ऑन टेक्सचर। टेक्सचर मतलब कि वो किस तरह से ठंडा होता है, किस तरह से वो जमता है, सो टेक्सचर डिपेंड ऑन, उसका कलर कैसा होगा, सब कुछ उसकी चीज़ें कैसी होगी, तो डिपेंड ऑन उसके साइज पर और अरेंजमेंट ऑफ ग्रेन्स ऑन द फिजिकल कंडीशन ऑफ द मटेरियल, जो अंदर से जो मटेरियल आता है वो कैसे किस ढंग से जमता है, धीरे जमता है, तेज जमता है, दूर तक जाता है, पास जमता है, मोटा पतला, ये सारा टेक्सचर उस पर डिपेंड करता है मोल्टन मटेरियल पर, जो कि कूल होके ग्रेट डेप्थ, जो नीचे से आता है ग्रेट डेप्थ से कूल होके, उसके अंदर मिनरल्स भी होते हैं और बहुत लंबे, अगर वो लार्ज एरिया तक जाता है तो अलग तरह से जमेगा, और सडन कूलिंग मतलब एकदम ठंडा हो जाता है और उसके छोटे छोटे स्मूथ ग्रेन्स बन जाते हैं, तो लार्ज वाला तो डेप्थ बनेगा और जो कूल वाला होता है, सडन कूलिंग होता है, वो उसे स्मूथ बनेगा।
तो इंटरमीडिएट कंडीशन ऑफ कूलिंग वर्ल्ड रिजल्ट इन इंटरमीडिएट साइज ऑफ ग्रेन्स, जो कि किस उन पे टेक्सचर पे डिपेंड करता है. मेकिंग अ इग्नियस रॉक, ग्रेनाइट, गोबो, पिगमाइट, बेसाल्ट, ये सारी क्या बनती है, इग्नियस रॉक के एग्जांपल है. इनमें से आपके दो इग्नियस रॉक के एग्जांपल आप लोगों को बताने पड़ेंगे. और कई बार एमसीक्यूज में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि गोबो किसका उदाहरण है या किसका एग्जाम्पल है, तो आप उसे इग्नियस का या ग्रेनाइट किसका एग्जाम्पल है उसे आप इग्नियस रॉक का एग्जाम्पल कह सकते हैं. फर्स्ट ये ख़त्म हुआ. अब हमारा आता है सेडिमेंट्री रॉक्स. हमने यहाँ तक फर्स्ट प्रोसेस हमारा इसे कहते हैं कि हमने इग्नियस रॉक पूरा बन गया, उसके बाद कैसी बनी, जब वो रॉक बन गई है अब उसके बाद क्या होता है. द सेडिमेंट्री इज डिराइव फ्रॉम लैटिन वर्ड, जो सेडिमेंट होता है वो लैटिन वर्ड से डिराइव किया गया है, विच मीन्स सेटिंग. अब उसको मतलब कहते हैं सेटिंग, किस ढंग से सेटिंग की गई है. रॉक्स इग्नियस सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक ऑफ द अर्थ सर्फेस आर एक्सपोज टू डेंड्यूट्रेशन एजेंट. अब आपको पता है इसके अंदर जब जम गई उसके ऊपर मिट्टी, क्या क्या चीज़ें, वेरियस साइज हो जाता है, फ्रेगमेंट जम जाते हैं उसके ऊपर, कई चीज़ें आ जाती है, केमिकल और फिजिकल उसके ऊपर कई तरह के फ्रेगमेंट आ जाते हैं. तो उससे क्या होता है, उसका ट्रांसपोर्टेशन अलग अलग हो जाता है, उस डिपॉजिट अलग होता है, एजेंसीज हो जाती है उसके ऊपर, तो वो सारी चीज़ें मिलकर उसका रूप चेंज कर देती हैं. तो सेडिमेंट मतलब उसका रूप चेंज कर देना. दिस डिपॉजिट थ्रो कैम्पिशन टर्न इंटू रॉक्स, और ये क्या बन जाता है, दूसरी तरह की रॉक्स बन जाती है. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड लिथिफिकेशन. लिथिफिकेशन मतलब कि कई तरह के कंपोजिशन मिला के उसे लिथिफिकेशन बन जाता है. इट मैनी सेडिमेंट्री रॉक्स द लेयर्स ऑफ डिपॉजिट रिटर्न देयर कैरेक्टरिस्टिक्स कैन आफ्टर लिथिफिकेशन. इसके बाद उसका रूप चेंज हो जाता है लिथिफिकेशन के बाद. तो हम देख सकते हैं कि कई लेयर्स होती है. आप देखेंगे कोई रॉक को कभी देखा हो तो आपने उसके अंदर थिकनेस के आसार पे उसकी रॉक्स का सेडिमेंट हो जाता है और उसमें अलग अलग तरह की रॉक्स बन जाती है. सैंड स्टोन और शेल को आप देखिए, उसमें कई तरह की लेयर्स होती है, एक के ऊपर एक लेयर जमती जाती है, उससे हम कह सकते हैं. अब आ जाता है डिपेंडिंग अपॉन द मोड ऑफ फॉर्मेशन सेडिमेंट्री रॉक्स आर क्लासिफाई इंटू थ्री मेजर ग्रुप्स. तीन तरह के मेजर ग्रुप्स होते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स के. फर्स्ट होता है मैकेनिकली. मैकेनिकली में क्या होता है, सैंड स्टोन, ये सारी चीज़ें जो कि मैकेनिक उसके अंदर कुछ ना कुछ कंपोजिशन मिलता जाता है. इसके बाद आता है ऑर्गेनिकली. ऑर्गेनिकली के भी एग्जांपल यहाँ पे लाइमस्टोन दिया हुआ है, कोल दिया हुआ है. इसके बाद आता है केमिकली. केमिकली में क्या क्या केमिकल्स उनमें मिल जाते हैं और वो कैसी रॉक्स बन जाती है. तो ये तीन तरह के यहाँ पर एग्जांपल आपको दिए गए हैं सेडिमेंट्री रॉक्स के. अब आता है इसके बाद मेटामॉर्फिक. ये रॉक्स क्या होती है, जो कि लास्ट प्रोसेस है हमारा, स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक थर्ड प्रोसेस और लास्ट प्रोसेस भी कहलाता है मेटामॉर्फिक रॉक. जब मर्ड मेटामॉर्फिक मतलब चेंज ऑफ फॉर्म, इसको चेंज हो जाता है. जैसे कि जो मेन रॉक थी वो चेंज हो जाती है, उसे मेटामॉर्फिक कहते हैं. इसका वर्ड मीनिंग अच्छी तरह याद कर लीजिए. दीज रॉक फ्रॉम अंडर द एक्शन ऑफ द प्रेशर वॉल्यूम. अब आपको पता है जो प्रेशर वॉल्यूम होती है उसके आधार पर टेम्परेचर के कारण, प्रेशर टेम्परेचर और वॉल्यूम के कारण जो चेंज आता है रॉक्स में, उसे हम मेटामॉर्फिक रॉक कह सकते हैं. इसके अंदर बताया गया है मेटामॉर्फिक ऑकर्स व्हेन रॉक्स आर फोर्स्ड डाउन टू लोअर लेवल एट टेक्टोनिक प्रोसेस और व्हेन मोल्टन मैग्मा राइजिंग थ्रू द क्रस्ट कम्स इनटू कांटेक्ट विद द क्रिस्टल रॉक्स ऑफ द अंडरस्टैंडिंग रॉक्स आर सब्जेक्टिव टू द ग्रेट अमाउंट ऑफ प्रेशर बाय ओवरलेइंग रॉक्स. अब आपको इसका मीनिंग समझाती हूँ. इसके अंदर क्या होता है, जब रॉक्स के ऊपर वॉल्यूम पड़ता है, प्रेशर पड़ता है, टेम्परेचर पड़ता है, जिसे हम PVT भी कह सकते हैं. इसका फुल फॉर्म आपको एग्जाम्पल में पूछा जाता है. वॉट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ PVT? प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर इज़ द फुल फॉर्म ऑफ PVT. इसके अंदर मेटामॉर्फिक रॉक्स कब बनती है, जब उसके ऊपर बहुत सारा फोर्स पड़ता है और वो लोअर लेवल पे चली जाती है और उसके बाद उसमें प्रोसेस होके मोल्टन मैग्मा के रूप में वो वापस बनती है और क्रस्ट पर वापस उसी रूप में आती है. इसे हम कह सकते हैं कि मेटामॉर्फिक, किस ढंग से ग्रेट अमाउंट ऑफ प्रेशर के कारण वो रॉक क्या होती है, वापस लिक्विड फॉर्म में आना शुरू करती है. मतलब ज़मीन के अंदर जाती जाती है वो रॉक्स और टेक्टोनिक प्लेट्स के कारण उसमें जो इफ़ेक्ट आता है उसके कारण वो मेटामॉर्फिक बनता जाता है.
Metamorphism is a process by which already consideration rocks undergo recycling. इस rock को हम recycling कहते हैं. जब कोई rock वापस बनती है उसे recycling कहा जाता है. So हम इसको कह सकते हैं दो तरह के metamorphism होता है. एक तो होता है metamorphism और एक होता है regional metamorphism. तो आप इसको underline कर लीजिए. Rocks come into contact with the hot interior. आप देखेंगे कि इसके अंदर जो first वाला होता है उसके अंदर आता है hot introduce magma and lava rock material recycle होते हैं और ये high temperature के द्वारा recycle होते हैं. So इस पैरा को आप पढ़ेंगे. इसके बाद आपका main चीज आता है इसमें rock cycle. Rock cycle क्या होता है? Rock cycle क्या होता है? Rocks do not remain to their original form of the long but may undergo transformation. कभी भी rock एक तरह का अपना और प्रोसेस नहीं होता है, उसमें चेंज होता रहता है ट्रांसफॉर्मेशन के द्वारा. रॉक साइकिल क्या होता है? इस कंटिन्यूस प्रोसेस. रॉक साइकिल क्या है? एक कंटिन्यूस प्रोसेस है जो थ्रू बताता है कि ओल्ड रॉक्स आर ट्रांसफॉर्म फ्रॉम न्यू वंस. जो पुरानी रॉक्स होते हैं वो नई कैसे बनती है. अब आप इस डायग्राम को देख के अच्छी तरह से समझ सकते हैं. इस डायग्राम में आपको सबसे पहले इग्नियस रॉक है. इग्नियस रॉक आपको पता है वेदरिंग और इरोजन के कारण चेंज हो जाता है और उसका प्रोसेस चेंज होकर वो सेडिमेंट बन जाता है. सेडिमेंट में चेंज आता है. सेडिमेंट के बाद चेंज होने के कारण सेडिमेंट्री रॉक्स बनती है. अब सेडिमेंट में चेंज लिथिफिकेशन के कारण आता है तो सेडिमेंट्री रॉक्स बनती है. इसके बाद प्रोसेस यहाँ से चलता है, यहाँ आता है. इसके बाद मेटामॉर्फिज्म होता है. मैंने अभी बताया दो तरह के होते हैं. और मेटामॉर्फिज्म होने के बाद टेम्परेचर प्रेशर और वॉल्यूम के कारण यहाँ पर चेंज होता है और वो मेटामॉर्फिक रॉक बनती है. वो वापस अंदर जाती है और लिक्विड फॉर्म में आने लगती है. लिक्विड फॉर्म में आने के कारण वो मेल्टन होने लगती है और वापस मेल्टन होकर वो मैग्मा के रूप में बनती है. मैग्मा से होकर सॉलिडिफिकेशन वापस होता है, वो ऊपर आ जाता है, लावा बनता है. लावा से वो ऊपर आके मैग्मा बनता है और मैग्मा से ऊपर आके वापस सॉलिडिफिकेशन होता है, रॉक बन जाता है. मतलब कि ये साइकिल चलता जाता है, इसे हम रॉक साइकिल कह सकते हैं. सो कंटिन्यू इट. ये पूरा चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया. आई थिंक आपको समझ आ गया होगा. कहीं प्रॉब्लम आ रही है, तीन तरह की रॉक्स बताई मैंने आपको, वो अच्छी तरह से और इंपॉर्टेंट चैप्टर है स्टूडेंट्स, तो आप लोगों को अच्छी तरह से लर्न करना पड़ेगा. थैंक यू.